हेलो, आई एम विशाखा, वेलकम टू आफ्टर खिड़की। तो आज मैं हूँ धानु में और आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं श्री महालक्ष्मी मंदिर, जो एक पहाड़ पर है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ इस जगह के बारे में इन्फॉर्मेशन और आपको यहाँ पर कैसे आना है और बाकी सब। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और अभी हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे बेस विलेज से ट्रैकिंग करके ऑलमोस्ट 30 मिनट हो चुके हैं। अभी मैं ट्रैकिंग करते जा रही हूँ और इसका मोस्ट ऑफ टाइम जो है या फिर जो पूरा रास्ता है वो पूरा ऊपर की तरफ ही, मतलब पूरी ऊंची चढ़ाई है, खड़ी चढ़ाई है। और यहाँ पर आपको रास्ते में 2-2 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको स्टॉल मिल जाएंगे। तो अगर आप कुछ नहीं लेकर आ रहे तो भी आप यहाँ से परचेस कर सकते हो। पूरे 40 मिनट के ट्रैक करने के बाद अभी पूरा स्ट्रेट रास्ता आया है और अभी ऊपर हमें वो पहाड़ दिख रहा है जहाँ पर मंदिर है। तब चलते और देखते कितना वक्त लगेगा ऊपर पहुँचने में हमें। मुझे यहाँ से मंदिर दिख रहा है, मैं यहाँ से मंदिर को विटनेस कर सकती हूँ। और अभी आगे जाके मैं आप सबको बताती हूँ कि आपको यहाँ पर आना कैसे है, वो भी लोकल ट्रांसपोर्ट से। तो चलते हैं आगे और मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं आपको बताती हूँ कि आपको यहाँ पर आना कैसे है। सबसे पहले आपको आपके नियरेस्ट रेलवे स्टेशन से धानु रेलवे स्टेशन आना है। वहाँ से सिर्फ 10 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस पर आपको धानु एसटी स्टैंड मिल जाएगा। वहाँ से आपको बस लेनी है महालक्ष्मीगढ़ के लिए। आपको कंडक्टर को बोल देना है कि आपको महालक्ष्मीगढ़ जाना है, तो वो आपको ड्रॉप कर देंगे रानशेत विलेज में। वहाँ से आपको बेस विलेज में आने के लिए ऑलमोस्ट 40 मिनट लग जाएंगे। जो पूरा रास्ता है वो रोड का है और आधा रास्ता मिट्टी का है, जो ऊपर की तरफ चढ़ाई करनी पड़ेगी आपको। आपको वहाँ पर 2 मेन गेट मिलेंगे जो मंदिर के बोर्ड के रहेंगे। उसके बाद आपका ये ट्रैक स्टार्ट हो जाएगा सीढ़ियों वाले रास्ते से जो मैंने आपको दिखाया है। और आपके यहाँ पर पर्सनल व्हीकल से भी आ सकते हो। आपको यहाँ पर पार्किंग का भी काफी अच्छा एरिया देखने मिलेगा। तो मैंने यहाँ पर एक शॉप से, लोकल शॉप जो रहते हैं यहाँ पर स्टॉल लगाते हैं छोटे छोटे, उनमें से मैंने ये लिया है। इसे कहते हैं जाम, मतलब हमारे लैंग्वेज में, मेरे गाँव में इसे जाम बोलते हैं। अगर आप सबको पता है कि ये कौन सा फ्रूट है तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। ऑलमोस्ट पूरे 45 मिनट के बाद हमें यहाँ पर स्टेयर्स का रास्ता देखने मिला है, जो कि ये है। अभी हम देखते हैं कि एक्चुअली यहाँ पर कितने स्टेयर्स हैं, फिर हम कितने टाइम में यहाँ पर ऊपर पहुँचेंगे। तो अभी यहाँ पर छोटा सा एक स्टॉल मिला जो बंद है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पर 10 मिनट का ब्रेक लेते हैं, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से एक भी ब्रेक नहीं लिया है। तो अभी यहाँ पर हम रुक के जो घर से खाना लाया वो खाएंगे और फिर आगे हम बढ़ेंगे। तो अभी मैंने नाश्ता कर लिया है, इधर ही बैठी थी मैं पीछे, तो मेरा भी नाश्ता हो चुका है। अभी मैं जा रही हूँ ऊपर। टोटल 900 सीढ़ियाँ है। अभी मैं देखूंगी कि मैं कितने टाइम में इसे कवर कर पाऊंगी। थोड़ा ऊपर जाते ही मुझे यहाँ पर छोटा सा मंदिर देखने मिला, जहाँ मैंने अच्छे से दर्शन कर लिए। यहाँ पर छोटा सा देवी माता का मंदिर था, तो वहाँ पर दर्शन किए। अभी आगे बढ़ रहे हैं। और अभी पहले जो स्टेयर्स थी वो थोड़ी नई वाली थी और अभी यहाँ पर ना पुराने वाली आ गई है। यहाँ एक छोटा सा शॉप मिला मुझे और मैं रुक गई थी और मुझे देखने मिला था ये। आपके लैंग्वेज में इसे क्या कहते हैं मुझे जरूर बताना। महाराष्ट्र में इसे बेसकी बोलते हैं, तो मैं इसे ट्राई करने वाली हूँ अभी। तो अभी मैं ऑलमोस्ट, मुझे नहीं पता कितना टाइम लगेगा और ऊपर जाने के लिए। ऊपर जाके मैं आपको बताती हूँ। ऊपर मुझे यहाँ पर बहुत ही सुंदर व्यू देखने मिला है गाँव का। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर एक और छोटा सा मंदिर देखने मिला हमें, तो वहाँ पर भी दर्शन करते हैं फिर चलते आगे।
यहाँ छोटे से मंदिर में भी मैंने अच्छे से दर्शन कर लिए और थोड़ा सा आगे जाते ही मुझे देखने मिला एक क्यूट सा बटरफ्लाई। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रिज है जहाँ से दोनों तरफ से बहुत ही सुंदर व्यू है, एक तरफ जंगल का और एक तरफ शहर का। अगर आप बारिश में इस जगह पर आओ ना, आपको ये जगह बहुत ही ज्यादा अच्छी लगेगी। अभी तो अप्रैल का एंड मंथ चल रहा है, मतलब समर सीजन है, तो अभी यहाँ पर आपको सारे पेड़ सूखे हुए देखने मिलेंगे, पर हवा यहाँ पर बहुत ही अच्छी लग रही है। तो ज्यादा धूप नहीं लग रही है, गर्मी ज्यादा नहीं हो रही है, पर अगर यहाँ पर हवा ना चले ना तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाएगी समर सीजन में। पर देखते हैं, जगह बहुत ही सुंदर है। अगर आप ये मेरे पीछे जो व्यू देख रहे हो पूरा, वो जंगल रेनी सीजन में पूरा हरा भरा रहेगा। कैन यू इमेजिन कितना ज्यादा सुंदर लगेगा। तो यहाँ पर एक आंटी कमल का फूल बेच रही थी, तो मैंने लिया, 10 रुपए का एक दिया उन्होंने। तो अभी हम ये देवी माता को चढ़ाएंगे। अभी मैं ऑलमोस्ट मंदिर में पहुंच गई हूँ। यहाँ पर ऊपर से दिख रहा है हमें पहाड़, उस पर नहीं जाते हैं, उसमें अगर आप जाना चाहो तो जा सकते हो, पर मंदिर उसके नीचे ही है। तो अभी हम चलेंगे मंदिर में और दर्शन करेंगे। जैसे ही यहाँ पर सीढ़ियाँ खत्म हुई, वैसे ही मुझे यहाँ पर पूजा की थाली के बहुत सारे शॉप्स देखने मिले जहाँ पर आप आपकी पूजा की थाली ले सकते हो। मैंने लिया है कमल का फूल जो मैं माताजी के चरणों में चढ़ाने वाली हूँ। और फाइनली मैं मंदिर में पहुंच गई, तो पहले मैंने मंदिर में अच्छे से दर्शन कर लिए। महालक्ष्मी मंदिर जिसे बनाया गया था जहवर जय बाजीराव मुकने के द्वारा 1306 में, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर तरीके से बनाया गया है। और पितृमावसक के दिन यहाँ पर बहुत ही बड़ा आदिवासी मेला लगाया जाता है। उस टाइम पे महाराष्ट्र और गुजरात के लाखों भक्त आके यहाँ पर देवी के दर्शन करते हैं। तो अगर आप कभी यहाँ पर आ सकते हो तो पितृ अमावस्या के दिन यहाँ पर जरूर विजिट करना, आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। अभी मैंने मंदिर में अच्छे से दर्शन कर लिया है, मैंने प्रसाद भी ले लिया है और मैंने साथ में धागा भी लिया है। तो अभी मैं जा रही हूँ नीचे, बस ने मुझे ड्रॉप किया था 9:15 पे, वहाँ से मैंने अपना ट्रैक स्टार्ट किया था। 40 मिनट लगे मुझे पूरे स्टेयर्स तक आने के लिए, फिर वहाँ से हमने आगे का हमारा ट्रैक स्टार्ट किया। तो 9:15 से लेके 11:15 यानी 11:12 पे मैं पहुँच गई थी ऊपर। तो मुझे ऑलमोस्ट 2 आवर्स लग गए थे पूरे उस गांव से लेके पूरे यहाँ ऊपर आने तक। फिर मैंने अभी मंदिर में दर्शन भी कर लिए है, अभी मैं जा रही हूँ नीचे। तो अगर आपको इस जगह के बारे में या फिर आपको यहाँ पर कैसे आना है उस बारे में कुछ भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझसे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मैं आप सबको मिलती है अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।